गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस थी ह्यूमन डाइजेशन तक हमने कंप्लीट कर ली है अपनी पिछली वीडियो में। आज हम दूसरी लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करेंगे। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, ये दो नाम आपने सुन रखे हैं लेकिन इन्हीं में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों ही सेम चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग और एनर्जी लिबरेटिंग बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में एक स्टेप वाइज मैनर में और लास्ट में एनर्जी रिलीज होती है। और ज़्यादातर जो एनिमल्स में मेजर सोर्स है एनर्जी का दैट इज़ ग्लूकोज। ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज देयर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज, इसको हम कहेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस का एक पार्ट है, ठीक है। ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। एंड इट टेक्स प्लेस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग। जैसे ऑर्गेनिज्म कुछ में स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए और कुछ में नहीं होते ब्रीदिंग के लिए भी। रेस्पिरेशन के टाइप्स की अगर हम बात करें तो जनरली टू टाइप्स की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, सॉरी एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस। एनएरोबिक प्रोसेस का मतलब जिसमें कि ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होगा लेकिन इन अब्सेंस ऑफ एयर, उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक एंड एनएरोबिक। एन एरोबिक में कम्प्लीटली अब्सेंस ऑफ एयर में ब्रेक डाउन होगा और एरोबिक में जो है वो ऑक्सीजन नेसेसरी होती है, एयर की प्रेजेंस जरूरी है फॉर ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स मटेरियल इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये मोस्ट कॉमन मेथड है रेस्पिरेशन का जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, मसल सेल्स में होता है हायर ऑर्गेनिजम्स के, लेकिन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तभी इनका नाम है एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक जिसमें एयर की प्रेजेंस है और एनएरोबिक जिसमें एयर की प्रेजेंस नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है फूड का CO2 और H2O में और एनर्जी। जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है फूड इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। वेयर एज इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन कम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस टू रिलीज अल्कोहल और एसिड या फिर अलोंग विद वाटर एंड एनर्जी। तो ये दो तरह की हो जाती है फिर हमारे पास। ये हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन का फेट अलग से पढ़ेंगे। तो जो एनर्जी रिलीज़ की अगर बात करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर एनर्जी इज़ रिलीज्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में लगभग 36 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज होते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी पर मॉलिक्यूल रिलीज होती है, अबाउट 2 ATPs। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कंप्लीट होती है दो जगह पे,
कुछ पार्ट साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है एंड एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये साइटोप्लाज्म में ही ख़त्म हो जाती है। अब एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये डिफरेंट टाइप्स की होती है आपके पास, इसका फेट अलग अलग है। ये देखिए, जैसे ये आपके पास है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में तीन रूट पकड़ सकता है। साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में होता है पहला स्टेप, जो जिसमें ग्लूकोज पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, पाइरूवेट भी कहते हैं इसको। ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और पाइरूवेट जो है वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इतनी प्रोसेस सेम रहती है ग्लूकोज से पाइरूवेट तक की फॉर्मेशन जो साइटोप्लाज्म में होती है, दोनों ही एरोबिक एज वेल एज एन एरोबिक प्रोसेसेस में ये सेम रहता है स्टेप। लेकिन अगले स्टेप में एन एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है ये पाइरूवेट 3 स्टेप पकड़ सकता है, 3 रूट ले सकता है। 1, 2, 3। रूट 1 में जैसे ईस्ट सेल में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन है, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो 3 रूट पकड़े इसने। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इथेनॉल बनेगा, यानी अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस लेस एनर्जी। ऐसे ही मसल सेल में जहाँ पे ऑक्सीजन होती तो है लेकिन कम, लैक ऑफ ऑक्सीजन जब हो जाता है तो उस टाइम इथेनॉल नहीं बनता बल्कि लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी होती है प्रोड्यूस, वो भी लेस अमाउंट में। तीसरे रूट में माइटोकॉन्ड्रिया में जहाँ एनर्जी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो वहाँ पे CO2, H2O और एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होती है। तो इस तरह से ये 2 तरह की रेस्पिरेशन आपके पास होती है, एरोबिक और एनएरोबिक। एनएरोबिक का एग्जांपल आपके पास ईस्ट आ जाता है, एरोबिक में तो सारे आ जाते हैं ह्यूमंस बींग्स जो भी हैं, और एनएरोबिक में मसल सेल में भी आ जा, मसल सेल का एग्जांपल भी आ जाता है आपके पास। फिर एनर्जी रिलीज जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, ATP की फुल फॉर्म क्या है, ATP मीन्स एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ATP। ये आपने अपनी लोअर क्लास में भी पढ़ा है अगर याद हो तो, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, ATP इज एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यूज टू फ्यूल ऑल द अदर एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ब्रेकडाउन ऑफ ATP जो है फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है सभी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए। ATP को हम प्रोटीन सिंथेसिस में भी यूज़ करते हैं, सीलिया फ्लैसला के मूवमेंट्स में भी यूज़ करते हैं, फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज़ करते हैं, नर्व इम्पल्स की कंडक्शन में भी, मतलब हर जगह पे एनर्जी ड्राइविंग जहाँ पे भी हैं रिएक्शंस वहाँ पे हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी हमें सेलुलर रेस्पिरेशन से इन द फॉर्म ऑफ ATP प्रोवाइड होती है। ठीक है, अब मैं आपको फ्लो चार्ट्स की फ़ोटो भेजूंगी, वो भी आपने करनी है, और डिफरेंस भेजूंगी जो आपने अपनी नोटबुक पे करना है। ओके, थैंक यू। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जब गूगल मीट की क्लास होती है देन यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, जहाँ पे अगर वहाँ पे किसी को समझ नहीं आता है तो यू कैन सी द वीडियो थोरोली प्रॉपरली, गो थ्रू योर बुक्स, तब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इवन आफ्टर दैट आपके डाउट्स रहते हैं
तो यू कैन आस्क, वी आर हेयर फॉर यू. ओके, थैंक यू.